तथाकथित समाज सेवक मॉरिस नरोना उर्फ मॉरिस भाई के खिलाफ आईसी कॉलोनी के रहने वाले सीनियर सिटीजन 65 वर्षीय एंथनी वॉज ने 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का सनसनीखेज आरोप लगाया है। यही नहीं, एंथनी वॉज ने बताया कि इस मामले की लिखित शिकायत एमएचबी पुलिस स्टेशन में की है, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने अभी तक उनकी शिकायत पर मॉरिस नरोना उर्फ मॉरिस भाई के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। एंथनी वॉज ने यह भी बताया कि 2014 में पैसे देने के बाद मॉरिस नरोना उर्फ मॉरिस भाई ने 2016 में 1 लाख रुपए के 2 चेक दिए और कहा कि जब मैं कहूँगा तब बैंक में डालना। कई महीने बीत जाने के बाद जब मैंने चेक डाल दिए तो मॉरिस नरोना उर्फ मॉरिस भाई मुझे कॉल कर जान से मारने की धमकी देने लगा। यही नहीं, मुझे कहता है कि मैं दाऊद का आदमी हूँ, तुम्हारा पैसा दाऊद के पास है, उससे ले लो। वर्तमान में मॉरिस नरोना उर्फ मॉरिस भाई को एमएचबी पुलिस ने एक महिला के साथ 88 लाख रुपए की ठगी और रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। पीड़ित एंथनी वॉज ने यह भी आरोप लगाया है कि अभी भी जब पैसे मांगने जाते हैं तब मॉरिस नरोना उर्फ मॉरिस भाई जान से मारने की धमकी देता है। तो आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता एंथनी वॉज ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। क्या मामला है जरा उसके बारे में बताइए, पहले नाम बताइए। मेरा नाम एंथनी वॉज है और वो हमको चीटिंग हो गया मॉरिस नरोना से। हम लोग 2014 में जिम में मैं उसको वचन दे उधर मेरे को मिला और बाद में 2013 में मेरा रिटायर हो गया तो मेरा जो फंड मिलने का बाकी था तो उसने मेरे को बोला मेरा कंपनी में इन्वेस्ट करो 3% पर मंथ मैं देगा आपको। सो 2014 जून में मेरे को मेरा कंपनी से फंड मिला मेरे को, तो उसको 20,000 चेक दिया। कितना टोटल अमाउंट कितना दिया था सर? टोटल अमाउंट 20,000 ने 20 लाख। मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलता है क्यों, हिंदी बोलने का थोड़ा चेक दिया। आपने कैश दिया कैसे? चेक चेक। टोटल अमाउंट कितना है आपका? टोटल अमाउंट 20 लाख कैश जून में दिया मैं उसको और उसने तुरंत निकाल दिया। और जुलाई में इंटरेस्ट देने का था 60,000 नहीं दिया तो अगस्त में दिया, बोलता है मैं देगा देगा। हाँ वो बिजनेस उस टाइम नहीं बोला मेरा बिजनेस, वो उस टाइम बोला मनी लैंडिंग। हाँ अभी मेरे को मालूम पड़ा और एक बिजनेस था उसका सलून। एस्पा का कोई बिजनेस बताया जा रहा है? हाँ एस्पा ऐसा कुछ ऐसा सलून नाम भी भूल गया मैं, लेकिन मैं ढूंढता है उसका सलून भी मेरे को मिला। तो क्या बोल रहे हैं? हाँ जब भी पैसा मांगता है देता है बोला और दिया ही नहीं। और फिर बाद में 2 चेक दिया, 1-1 लाख का चेक दिया अगस्त में। मेरे को बोला हम बोलेगा जब ही डालने का, तो बोला ही नहीं। और मेरे को मालूम है वो चेक एक्सपायर होएगा तो लास्ट दिन में मैं डाल दिया, लेकिन वो एक दिन लेट हो गया तो स्टील चेक तो बैंक ने वापस दिया मेरे को चेक। तो दूसरा जो चेक है वन मंथ का रखा तो मैं तुरंत डाला और मेरे को वो सो व्हाट एवर आई गॉट इन जून माय प्रोविडेंट फंड ऑल दैट 20 लाख आई हैड गिवन हिम एंड ही वाज सपोज टू गिव मी इंटरेस्ट व्हिच ही हैज नॉट गिवन एंड नाउ आई एम ऑन द लाइक यू नो आई हैव गॉट नथिंग सो आई एम अ सीनियर सिटीजन एंड दिस इज माय स्टेट। आई एम होपिंग दैट पुलिस वुड register FIR. The complaint I already have given, this was on 15th of March. I made a police complaint, now I'm waiting for the FIR to be registered so that the investigation would go on and then I would get my money back. So I'm requesting, pleading with the government and the police also to
speed up this matter. What do you want, Maharashtra government? So that this justice would be done to me. Thank you. Yeah.